देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज स्क्रीन शेयर है अच्छा yes, देखो लेबर हम लोग का कंप्लीट हो गया था लास्ट दिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवर एट कॉस्टिंग ठीक है ओवर एट कॉस्टिंग ठीक है ओवर का मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है जितने भी हम लोग के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे हम लोग बोलते हैं ओवर ठीक है अब इस चीज को समझते हैं देखो कि ओवर कैसे खर्चे को बोला जाता है तो नॉर्मली देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फर्क क्या होता है अगर टाइप्स में नहीं जाते मतलब डायरेक्ट मेटेरियल इनडायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर ऐसा नहीं बोल के सिंपल अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जिस खर्चे को हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इनडायरेक्ट का मतलब जिसे वन यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं ठीक है अब इसको देखो हम लोग जो है कि एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं जैसे मान लो स्टूडेंट के लाइफ में जैसे मान लो तुम लोग स्टूडेंट हो तो इससे ही हम लोग जो है ओवर को समझने का कोशिश करते हैं तो जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो तुम लोग के लिए मेटेरियल क्या होगा लेबर क्या होगा जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अगर वो फिनिश गुड्स बनाता है तो उसके लिए मेट्रियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस चाहिए होता है ठीक है जिसमें लेबर हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? अब मेट्रियल में देखो स्टूडेंट के लिए जब वो पढ़ाई कर रहा है कोई जैसे प्रोफेशनल uh, कोर्सेस ही मान लो जैसे सी एस सी एस सी ए जो भी कर रहे हो तो उसमें देखो मेटेरियल जो है हम लोग का दो तरीके का होगा एक स्टूडेंट के लिए ठीक है अब डायरेक्ट मेटेरियल भी होगा इनडायरेक्ट मतलब हम ओवर इट को इस तरीके से समझाने का कोशिश कर रहे हैं ठीक है डायरेक्ट मेटेरियल इनडायरेक्ट मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है डायरेक्ट मेटेरियल इनडायरेक्ट मेटेरियल अब स्टूडेंट के लिए कौन सा डायरेक्ट मेटेरियल ठीक है अब जैसे तुम लोग तुम लोग का चार सब्जेक्ट है जैसे मान लो तुम लोग का जो भी कोर्स है उसमें चार सब्जेक्ट है क्या क्या चार सब्जेक्ट है एक है अकाउंट्स एक है कॉस्ट लॉ और टैक्स मेन चार सब्जेक्ट ठीक है अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर तुम लोग इसका बुक्स खरीदते हो ठीक है मान लो सारे बुक्स जो है वो 500 करके है फॉर एग्जाम्पल अगर 500 करके है मैंने रफली 500 करके कर दिया कम ज्यादा होता है ठीक है तो ये जो है खर्चा कितने का हो गया बुक्स खरीदने का खर्चा आ गया है टोटल टू थाउजेंड का ठीक है बुक्स खरीदने का खर्चा हो गया टोटल टू थाउजेंड रुपीज का तो ये हम लोग का क्या हो गया है डायरेक्ट क्योंकि अगर तुम लोगों को से कोई पूछेगा कि एक बुक्स को खरीदने का कितना खर्चा हुआ है जैसे मान लो तुम लोग जो भी कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो चाहे कॉलेज के लिए मान लो ठीक है कॉलेज में भी तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं तो तुम लोग आसानी से बोल सकते हो कि ये अकाउंट्स का बुक्स इतने का आया कॉस्ट का बुक इतने का आया लॉ का बुक इतने का आया ठीक है लेकिन इनडायरेक्ट मेटेरियल जैसे कि देखो इनडायरेक्ट मटेरियल हम जैसे नाम देते हैं फूड ठीक है food, ये डायरेक्ट मेटेरियल में मैंने क्या लिया डायरेक्ट मटेरियल में <laughs> यहां पर मैंने लिया बुक्स ठीक है बुक्स ये हम लोग का डायरेक्ट मेटेरियल हो गया ठीक है और इनडायरेक्ट मेटीरियल में हम लेते हैं फूड फूड भी एक स्टफ है ठीक है जो भी स्टफ होता है उसे हम लोग मेटीरियल बोलते हैं फूड भी तुम लोगों के लिए रिक्वायर्ड मेटीरियल है जैसे बुक्स चाहिए पढ़ाई करने के लिए वैसे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए तुम लोग को खाना भी चाहिए और खाने का भी खर्चा होता है ठीक है मतलब ऐसा मत सोचो कि हम लोग घर पे रहते हैं तो हमें नहीं पता कितना खर्चा होता है ऐसा बात नहीं है लेकिन इतना तो पता है ना हर एक चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है तो खाने का भी हमारा खर्चा होता है

कॉस्ट के लिए कितना हुआ लॉ के लिए कितना हुआ टैक्स के लिए कितना हुआ ठीक है जैसे हम लोग यहाँ पर ये यह बोल सकते हैं कि अकाउंट्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक बुक खरीदा था जिसके लिए हमारे फाइव हंड्रेड रुपीज खर्चे हुए लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि अकाउंट्स का पेपर रेडी करने के लिए हम लोगों ने कितने का खाना खा लिया ठीक है तो वो तो हम लोग डेली बेसिस पे खाते थे अब हमें क्या पता की ये अकाउंट्स पे कितना अपोर्शन करे कॉस्ट पे कितना अपोर्शन करे लॉ पे कितना करे या टैक्स पे कितना करे ठीक है ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं तो ये

लेबर का क्या हो जाएगा अगर तुम लोगों को पढ़ना है सही तरीके से तो सबसे बड़ा लेबर तुम लोग का क्या होगा पढ़ाई ठीक है मतलब स्टडी को सही तरीके से करना तो यहाँ पर जो पढ़ने के लिए तुम लोग मेहनत कर रहे हो ठीक है यानी पढ़ाई का जो मेहनत वो तुम लोग का क्या हो जाएगा डायरेक्ट लेबर ठीक है ये क्या हो गया डायरेक्ट लेबर क्यों क्योंकि तुम लोग ये बोल सकते हो कि अकाउंट्स को कितने टाइम पढ़ा द कॉस्ट को कितना टाइम पड़ा अगर तुम लोग एक दिन का भी बेसिस में देखते हो ठीक है कि हम मैंने पर डे कैसे पढ़ा तो तुम लोग आराम से बोल सकते हो अकाउंट्स कितना टाइम पड़ा कॉस्ट कितना टाइम पड़ा लॉ कितना टाइम पड़ा और टैक्स कितना टाइम पड़ा ये आराम से तुम लोग बोल सकते हो जैसे मान लो तुम लोगों ने देखा कि एक दिन में तुम लोग अकाउंट्स पढ़ लेते हो 2 घंटा ठीक है कॉस्ट पढ़ते हो सपोज 1 घंटा लॉ पढ़ते हो सपोज 1 घंटा और टैक्स जो है वो भी पढ़ते हो दो घंटा ठीक है ये मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली लिखा है तो ये हम लोग बता सकते हैं यानी हम लोग एक एक सब्जेक्ट में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये हम लोग इजीली बता सकते हैं तो ये हम लोग का डायरेक्ट लेबर हुआ अब इनडायरेक्ट लेबर क्या है इनडायरेक्ट लेबर का मतलब जैसे मान लो खुद को थोड़ा सा मतलब मेंटली भी सही रखने के लिए और फिजिकली भी सही रखने के लिए तुम लोग मेडिटेशन करते हो ठीक है मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करते हो ये तुम लोग का हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर क्यों इनडायरेक्ट लेबर क्योंकि मैंने अभी भी बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग रोज मेडिटेशन करते हो तुम लोग लेकिन ये नहीं बता पाओगे अगर पूछा जाए तो अकाउंट्स के लिए कितना टाइम करते हो कॉस्ट के लिए कितना टाइम करते हो लॉ के लिए कितना या टैक्स के लिए कितना ये बता पाना उतना आसान नहीं है कि तुम लोग अगर सारा दिन में दो घंटा भी मेडिटेशन करते हो सुबह सुबह मान लो दो घंटा मेडिटेशन करते हो तो क्या ये बता पाओगे की उसका बेनिफिट अकाउंट सब्जेक्ट को कितना मिला कॉस्ट को लॉ को या टैक्स को ये हम लोग एपोर्शन नहीं कर सकते लेकिन कितना टाइम पड़ रहा है ये हम लोग एपोर्शन कर सकते हैं ठीक है तो ये हम लोग का डायरेक्ट लेबर हुआ और ये इनडायरेक्ट अब अदर एक्सपेंसेस में देखो अदर एक्सपेंसेस में जैसे मान लो तुम लोगों ने अपना कोर्सेस को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए ट्यूशन ज्वाइन किया है यानी कि कोचिंग क्लासेस ठीक है अब कोचिंग क्लासेस का तुम लोग क्या करोगे अपना जो है खर्चा जो भी होता है फीस वो पे करोगे ठीक है ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस ठीक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस का मतलब हमेशा होता है मेटेरियल और लेबर के अलावा अगर कोई खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस ठीक है अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया और इनडायरेक्ट का भी एग्जाम्पल लेते हैं देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस अच्छा ये क्यों डायरेक्ट है जैसे मान लो तुम लोग ये आसानी से बोल सकते हो कि अकाउंट्स का तुम लोगों ने, लो ने कितना फीस पे किया है ठीक है लॉ का तुम लोगों ने कितना फीस पे किया है टैक्स का तुम लोगों ने कितना फीस पे किया है और और एक क्या बच गया हम लोग का कॉस्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है कॉस्ट का तुम लोगों ने कितना अब हाँ, मान लो तुम लोगों ने फाइव थाउजेंड करके पे किया मैंने ये एकदम रैंडमली ऐसे लिख दिया मान लो सारे ही फाइव थाउजेंड करके है ठीक है तो ये तुम लोगों ने जो खर्चा पे किया है वो तुम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया क्योंकि तुम लोग इजीली बता सकते हो कि पर सब्जेक्ट पे क्या खर्चा आ रहा है तो देखो पर सब्जेक्ट में हम लोग बता सकते हैं कि बुक्स का खर्चा कितना आया बुक्स मेटेरियल कैटेगरी में आया पर सब्जेक्ट को कितने आवर्स पढ़े तुम लोगों ने तो वो लेबर हो गया स्टडी टाइम ठीक है और पर सब्जेक्ट का कोचिंग जो लिया उसका क्या खर्चा पे किया वो बता सकते हो लेकिन पर सब्जेक्ट पे खाने का खर्चा नहीं बता सकते हो पर सब्जेक्ट पे जो है मेडिटेशन का टाइम इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं बता सकते हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल देके बताते हैं पर जैसे ऑनलाइन क्लास करते हैं तो तुम लोग का कौन सा पीस आ जाएगा देखो ऑनलाइन क्लास करने के लिए हमें एक अच्छा नेट कनेक्शन का जरूरत होता है तो पैक ठीक है पैक यूज करते हो मंथली ठीक है सपोज पैक यूज कर रहे हो मान लो पांच सौ रुपए का हजार रुपए का जो भी जिसको जैसा रिक्वायरमेंट होता है अपने एरिया के हिसाब से तो तुम लोग जैसा भी नेट पैक यूज करते हो तुम लोग ये नहीं बोल सकते हो कि उसका खर्चा अकाउंट्स को पढ़ने के लिए कितना लगा लॉ का कितना लगा क्योंकि वो तो टोटल में होता है ना टैक्स का कितना आया ये हम लोग नहीं बोल सकते है. अगर मान लो एक वन का भी पैक मांगते हो या फिर सात सौ आठ जो भी यूज कर रहे हो हो अब ये ये नहीं बता सकते हो कि उसमें को करने का उसका खर्चा कितना आया ठीक है तो तो क्या बोलेंगे तो की समझ में आ रहा है है कि यानी जिसको बोला जाता है, के में वो क्या होता है तो जिसको हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स में यहाँ पर हमारा फिनिश गुड्स क्या है कि अकाउंट्स को रेडी करना ये हमारा अल्टीमेट मोटो है को को करना करना ये अकाउंट्स को पूरा रेडी करने में हमारा खर्चा कितना है तो हम लोग बोल सकते हैं एक बुक्स खरीदे इतना खर्चा आया ठीक है और ये हम लोगों ने ये कोचिंग क्लासेस लिया तो इसका इतना खर्चा आ गया ठीक है और ये तो टाइम है वैसे देखो ये तो जस्ट मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने का कोशिश किया लेकिन हम लोग को सारे खर्चे जो है इस पे बताने पड़ते हैं क्या बोलते हैं उसे uh, मतलब अमाउंट पे ठीक है ये टाइम के बेसिस पे नहीं होगा लेकिन हाँ टाइम को जब हम लोग रूपीज uh, के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ नहीं होता है वो चीज एप्लीकेबल ये बात सही है कि तुम लोग किसको पेमेंट करने जाओगे पढ़ रहे हो तो क्या उस टाइम के लिए ना तो तुम लोग को कोई पेमेंट करेगा ना तो तुम लोग किसको पेमेंट कर रहे हो ये हम समझा रहे हैं कि इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर क्या होता है अब अगर इसी चीज को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से देखना चाहते हैं तो उसमें कैसे होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ठीक है अच्छा अब ये क्या मैन्युफैक्चर करती है उसके बेसिस पे इनका भी मेटेरियल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा मेटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस मेटेरियल का इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का भी इनका हो जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस का होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ठीक है जैसे कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है ठीक है फर्नीचर बनाती है तो उनके लिए मेटेरियल क्या हो जाएगा उनके लिए मेटेरियल हो जाएगा डायरेक्ट मेटेरियल वुड ठीक है नेल्स मतलब देखो फर्नीचर बनाने के लिए अगर जैसे प्लास्टिक का फर्नीचर भी होता है मेनली लकड़ी लकड़ी का हम बोल रहे हैं ठीक ठीक है है तो उसके लिए मेन क्या होगा होगा लकड़ी, नेल्स यानी जो कीला, जो कीला जिसके थ्रू से उसको अटैच किया जाता है ठीक है तो नेल्स ये सब डायरेक्ट मेटेरियल है क्योंकि हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक चेयर बनाने में हम लोगों ने कितने रुपए का लकड़ी लगाया कितने सारे नेल्स यूज किए ठीक है थीके? अच्छा अब इनडायरेक्ट मेटेरियल क्या हो जाएगा अब मान लो कि वो लकड़ी को शेप में लाने के लिए हम लोग मशीन में लकड़ी को काटते हैं पहले जो रॉ वुड आता है वो बहुत ही मतलब बड़ा बड़ा साइज का होता है फिर उसको कटिंग किया जाता है कटिंग करने के बाद उसमें अलग अलग शेप देके जो है रिक्वायर्ड फर्नीचर बनाया जाता है तो इसके लिए जो मशीन्स कटिंग मशीन्स यूज होते हैं उसमें जो मान लो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है ठीक है लुब्रिकेटिंग ऑयल क्योंकि मशीन्स को अच्छे से चलाने के लिए ग्रीस लुब्रिकेटिंग ऑयल ये सब यूज होता है ठीक है तो ये भी तो मेट्री है एक तरीके का तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट मेटेरियल क्योंकि उस मशीन्स को यूज किया गया फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए लेकिन उस मशीन्स को स्मूथली रन करवाने के लिए जो ऑयल यूज किया गया वो भी मेटेरियल है लेकिन वो इनडायरेक्ट मेटेरियल है क्योंकि हम लोग उस चेयर को देख के जो चेयर बन के रेडी हुआ ठीक है या फिर मान लो बेंच बना ठीक है बेंच हो चेयर हो जो भी हो मैन यहाँ पर फर्नीचर में तो कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं तो ये देखो जो ये बेंच बन के रेडी हुआ इसमें कितने का लकड़ी लगा है बोल सकते हैं अगर नेल्स काउंट किया जाता है काउंटेबल है जैसे मान लो एक एक बेंच में दस नेल्स लगता है अगर ये

टेबल को देख के नहीं बोल सकते हैं कि लुब्रिकेटिंग ऑयल कितने का इसमें यूज हुआ है तो वन यूनिट फिनिश गुड्स में जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ठीक है अब क्या फिर ये सारे खर्चे हमारे प्रोडक्ट में एड नहीं होंगे होंगे ये सारे खर्चे भी ऐड होंगे कैसे होंगे वही तो हमें ओवर कॉस्टिंग में सीखना है कि जो खर्चा हम लोग डायरेक्टली इस पे अप्लाई नहीं कर सकते उस खर्चे को कैसे इस पे हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट पे ऐड करें कुछ ना कुछ तो तरीका होगा वही हमें सीखना है फिर देखो हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं तो डायरेक्ट लेबर कौन है हम लोग का कारपेंटर ठीक है कारपेंटर अब कारपेंटर को जो भी पेमेंट कर रहे हैं अब वो मान लो डेली बेसिस पे पेमेंट ले सकता है पर पीस बेसिस पे ले सकता है कि हम एक दिन में पांच पीस बेंच बनाएंगे पांच पीस बेंच का मुझे इतना पैसा चाहिए ठीक है तो वो एक हो जाएगा और इनडायरेक्ट मतलब मान लो काम बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर एक सुपरवाइजर को रखा गया है जो कि काम सही से हो रहा है कि नहीं इस बात को चेक करते हैं ठीक है तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो गए लेबर तो वो भी है लेकिन वो इनडायरेक्ट है क्योंकि हम लोग टेबल देख के ये बोल सकते हैं ये टेबल को बनाने में कारपेंटर ने लिया है हजार रुपए लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सुपरवाइजर को अगर मंथली टेन थाउजेंड सैलरी देते हैं तो इस टेबल पे सुपरवाइजर का खर्चा कितना हुआ वो नहीं बोल सकते इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर ठीक है और अदर एक्सपेंसेस भी होगा मतलब जो मेटेरियल भी नहीं है लेबर भी नहीं है उसके अलावा अगर कोई खर्चा है उसे हम लोग बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस अब अदर एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा जैसे मान लो कि वुड्स को कैरी करके लेके आने का खर्चा ठीक है मतलब कैरेज इनवर्ड अगर हम लोग गुड्स को कैरी करके जो ला रहे हैं उसके लिए हम जो हम लोग जो कैरेज पे कर रहे हैं वो हम लोग का क्या हो जाएगा डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस ठीक है मतलब ये एक्सपेंसेस मेटेरियल भी नहीं है लेबर भी नहीं है लेकिन मान लो हम लोगों ने एक व्हीकल को रेंट मतलब व्हीकल के थ्रू से हमारे फैक्ट्री तक जो है उड जो है लेके आए ठीक है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि ये हम लोग बोल सकते हैं वुड के कॉस्ट में ऐड करके कि हमारा वुड कितने का है जैसे मान लो हम लोगों ने पांच हजार का लकड़ी खरीदा ठीक है अब इसको जब लेके आए उसके लिए हमारा पांच सौ रुपए का कैरेज लग गया तो लकड़ी पांच हजार पांच सौ का हो गया ठीक है अब जितना लकड़ी लगता है एक बेंच बनाने में मान लो उसका खर्चा आता है हम लोगों का हजार रुपए करके ठीक है तो इससे हम लोग हजार से डिवाइड करने से पता चल जाएगा कि एक एक बेंच बनाने में कितने रुपए का

तो एक एक बेंच पे कितने का लकड़ी लग रहा है वन वन जीरो जीरो का ठीक है ये हम लोग का हो जाता है कैरेज इनवर्ट एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैंने एग्जांपल दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसा खर्चा जो हम लोग आ, मतलब जो हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लेकिन वो मेटेरियल भी नहीं है और वो लेबर भी नहीं है ऐसा कोई खर्चा तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है अच्छा अब इसका एग्जाम्पल क्या दे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग क्या खर्चा बोल सकते हैं जैसे मान लो इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक है इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ये हम लोग का ना तो मेटेरियल है ना तो लेबर है अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है ठीक है फैक्ट्री uh, चल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है अब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग नहीं कर पाएंगे मतलब लो, हम लोग नहीं बोल सकते हैं इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट यानी ओवर एड इन अदर एक्सपेंसिस ठीक है अच्छा अब जैसे देखो आ, लेबर में जैसे हम पढ़ा रहे ठीक है, है तो मेरे केस में हम डायरेक्ट लेबर है अगर बाईचांस मेरा तबियत खराब होता है या हम किसी भी रीजन से एबसेंट होते हैं तो मेरा काम बंद हो जाएगा ठीक है तो ये जो क्या हो गया कि अगर किसी के ऊपर मतलब जो भी लेबर कौन से डायरेक्ट लेबर होंगे जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है जो नहीं आने पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा डायरेक्ट मेटेरियल कौन सा है वो मेटेरियल जो नहीं रहने पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा अगर हमारे पास लकड़ी नेल्स मतलब कीला ये सब अवेलेबल नहीं है कार्पेंटर नहीं है तो फिर हम लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते जो भी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है उन्हें हम लोग डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस बोलेंगे और जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते जैसे मान लो मैंने एक रिसेप्शनिस्ट रख लिया है मेरे तरफ से कोई भी स्टूडेंट आएगा उनका कोई भी इश्यूज होगा बात करने के लिए पहले अगर नहीं सॉल्व होता है देन हम उस बात को मैनेज करेंगे तो अगर हम रिसेप्शनिस्ट को रख रहे हैं और हम एबसेंट है तो क्लास बंद होगा रिसेप्शनिस्ट अपना काम कर सकता है तो फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया क्योंकि हम नहीं रहने से क्लास ही बंद हो जाएगा मतलब मेन जो टास्क है वो बंद हो जाएगा वैसे ही कार्पेंटर नहीं आएगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा उस दिन का जो है मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाएगा ठीक है तो इसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं ये मैंने एक एग्जाम्पल जो है बिजनेस रेस्पेक्ट में दिया ये मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया ठीक है तो यहां पर इससे ये चीज तो क्लियर हो गया हम लोग का कि कोई भी बिजनेस करो ठीक है उसमें मेनली तीन खर्चा आता है मेटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस ठीक है अब ये एप्लीकेबल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ही होगा लेकिन हा क्योंकि मेटेरियल परचेस करके लेबर को बुला के फिनिश गुड्स वही बनाएंगे जो मैन्युफैक्चरर होंगे अगर कोई ट्रेडर होगा तो ऐसा नहीं होगा ठीक है अब मेटेरियल मैंने बोला दो तरीके का होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर भी दो तरीके का होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी दो तरीके का होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और इतने सारे बात पे यही निकल के आया कि जितने सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं जितने सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं इसे हम लोग कॉस्ट में बोलते हैं ओवर हेड ठीक है हम लोगों ने यही पढ़ा ठीक है ये दो से हम लोगों ने क्या सीखा कि ियल लेबर अदर एक्सपेंसेस जिस भी बिजनेस में जरूरत होगा उसका हमेशा दो पार्ट होगा एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उसको कॉस्टिंग के लैंग्वेज में बोला जाता है ओवरहेड ठीक है अच्छा अब ओवर के बारे में हम लोग दो तीन पॉइंट लिखते हैं ओवर <clears throat> किसे बोला जाता है अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना उसको जस्ट हम थोड़ा थोड़ा हिंट्स लिखवा देते इफ कांट आइडेंटिफाइड इन वन यूनिट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और फिनिश्ड गुड्स ठीक है ये मैंने फिनिश्ड गुड्स लिखा है देन कॉल्ड इनडायरेक्ट ओवर इट Then called indirect expenses or it, जो अभी मैंने बार बार बोला ओवरइट को समझाने के लिए वही चीज मैंने लिखवा दिया अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वन यूनिट प्रोडक्शन या फिनिश गुड्स में तो हम लोग उस एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस और ओवरइट बोलते हैं ठीक है इफ एक्सपेंसिस कांट भी यहाँ पर ना एक्सपेंसिस लैंग्वेज एड करो इफ एक्सपेंसिस कैंट बी आइडेंटिफाइड इन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और फिनिश गुड्स देन कॉल्ड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस इट ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे टू कंट्रोल ओवर इट टू कंट्रोल ओवरहेट कॉस्ट टू कंट्रोल ओवर हेट कॉस्ट इज वेरी टीडियस टास्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ओवर एड कॉस्ट को कंट्रोल करना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान नहीं है ठीक है ओवर एड कॉस्ट को कंट्रोल करना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही टफ टफ काम है ठीक है तो यहां पर देखो क्यों टफ काम है क्योंकि हम लोग कंट्रोल इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये खर्चा जो है ना हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता है ठीक है जैसे मान लो कि हम लोगों ने सुपरवाइजर को रखा है अब सुपरवाइजर जो है वो काम को सुपरवाइज कर रहे ठीक है थीके? अब हम लोग ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि सुपरवाइजर को ये नहीं बोल सकते देखो कि मैंने तुमको प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन को सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए आपको रखा था अब मेरा प्रोडक्शन कम हो गया तो हम आपको कम सैलरी देंगे ऐसा तो नहीं बोल सकते तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ठीक है क्योंकि देखो सुपरवाइजर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अब सुपरवाइजर को हम लोगों ने इसीलिए रखा था हमारा काम बहुत बढ़ रहा था डिमांड हो रहा था मार्केट में प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था अचानक से प्रोडक्शन कम हो गया अब क्या सुपरवाइजर को बोलेंगे कि नहीं हम तुम्हें पैसा कम देंगे ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ठीक है अब मान लो हम लोगों ने एक मेंटेनेंस स्टाफ रखा था जो मशीन को मेंटेन करता है ठीक है अब मान लो उतना काम नहीं है तो क्या उसको बोलेंगे कि भाई मेंटेनेंस आपका कम हो रहा है ज्यादा काम तो हो नहीं रहा है मशीन का मेंटेनेंस ज्यादा है नहीं तो आपको कम सैलरी देंगे ये भी नहीं बोल सकते ठीक है अब मान लो हम लोग किसी आ, आ, मतलब ऐसे कोई टेक्नीशियन को रख रहे हैं कि जब भी किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है तो वो उसे ठीक कर देता है अब देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम तो रोज रोज नहीं होगा लेकिन जब भी होगा हमें एक स्टाफ पहले से ही रखना पड़ेगा बैकअप में ताकि वो तुरंत जाके उस काम को सही करते ताकि हमारा प्रोडक्शन हैम्पर हो। लेकिन अब मान लो पूरे हफ्ते में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ फिर भी तो हमें उस स्टाफ को रखना पड़ेगा जिस दिन होगा उस दिन बुला के काम भी करवा सकते हैं लेकिन उसमें लेकिन इसमें हमारा टाइम टेकिंग मैटर होगा क्योंकि वो हमें टाइम देगा कब आएगा कब नहीं आएगा लेकिन इसके बदले अगर हम लोग को रख लेते हैं तो वो हमारा काम कर सकता है लेकिन उसका डेली का काम नहीं होता है जिस दिन खराब होता है इलेक्ट्रिकल कोई इश्यूज होता पैसा देंगे ऐसा जल्दी से हम लोग ओवर एड कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते इसीलिए ओवर एड कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही टीडियस वर्क है इस चीज का बोल रहा है ठीक है जैसे मैंने तुम लोग को सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुपरवाइजर का दिया सुपरवाइजर मान लो पहले जो है थाउजेंड यूनिट के लिए काम कर रहे थे हो हो रहा रहा था daily basis पे उसको कर कर रहे थे अचानक से वो thousand unit, 800 unit पे हो गया तो तो क्या उनका salary कम कर दे? नहीं तो इसीलिए बोल है कि overhead का कॉस्ट जो है हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मतलब उतने आसानी से नहीं कर पाते हैं तो टू कंट्रोल ओवरइट कॉस्ट इज वेरी टीरियस टास्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट पॉइंट एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहिट कॉस्ट ओवरहिट कॉस्ट ठीक है और ओवरहिट कॉस्ट में क्या करना पड़ता है हम लोगों को ओवरहिट कॉस्ट को एलोकेशन या फिर अपोर्शनमेंट करना पड़ता है अब ये क्या चीज है एलोकेशन या अपोर्शनमेंट क्या होता है ये हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल के, के थ्रू से देखो जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बी लिमिटेड ठीक है अब इस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कि दो डिपार्टमेंट है ठीक है डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के काम को दो डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया है अब इस डिपार्टमेंट में है फोर लाइट पॉइंट ठीक है और थ्री फैंस यूज होता है ठीक है और इस डिपार्टमेंट में टू लाइट पॉइंट्स है मतलब दो लाइट जलता होगा और एक फैन यूज होता है ठीक है अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया सपोज फोर्टी थाउजेंड ठीक है जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का बिल इससे भी बहुत ज्यादा आता है ठीक तो है तो फोर्टी थाउजेंड ना डिपेंड कर रहा है कैसा ऑर्गेनाइजेशन है मीडियम साइज है जो है फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उस पर अच्छा अब हम लोग को ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल फोर्टी थाउजेंड आया अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि डिपार्टमेंट ए में कितना कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया होगा डिपार्टमेंट ए के लाइट और फैन यूज करने के वजह से और बी का लाइट एंड फैन यूज करने के वजह से तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको Divide करना पड़ेगा दोनों डिपार्टमेंट में तो कैसे डिवाइड करें क्या हम लोग अपने मन से 20, 20, कर कर कि भाई दोनों का नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हमें एक बेसिस पे जो है है इसको allocate करना पड़ेगा ठीक अपोर्शन है? बोलते हैं इस लैंग्वेज को बोलते हैं अपोर्शन करना तो हम लोग कैसे अपोर्शन करेंगे ये देखो चार लाइट पॉइंट है और दो लाइट पॉइंट है ठीक है तो हम लोग इसको फोर इस टू टू रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है ये मैंने दो दो इंफॉर्मेशन दे दिया कोई भी एक ही इंफॉर्मेशन रहेगा क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि दो दो इन्फॉर्मेशन रहेगा जैसे लाइट और फैन पॉइंट मैंने दोनों दिए ना या तो हम लोग फोर इंस टू टू में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर थ्री इंस टू वन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक है थीके? अब इलेक्ट्रिसिटी के मैटर पे एक ही इन्फॉर्मेशन देगा ये जस्ट मैंने लिखते लिखते, लिखते लिख दिया ठीक है तो ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे की लाइट के बेसिस पे करना है कि फैन के बेसिस पे बेसिस कोई भी एक रहेगा आइदर लाइट और फैन एक काम करते हैं ये हटाई देते ताकि कंफ्यूजन ही खत्म ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसको फोर इंस टू टू में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फिर डिपार्टमेंट ए में कितना जाएगा फोर इंस टू टू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड इंटू टू बाई सिक्स ठीक है तो यहाँ पर टू बाई सिक्स करने से जितना आएगा इसको ना थर्टी थाउजेंड करते हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा थर्टी थाउजेंड ठीक है तो थर्टी थाउजेंड इंटू टू बाई सिक्स तो ये हो जाएगा टेन थाउजेंड तो ये टेन थाउजेंड तो यहाँ पर हो जाएगा थर्टी थाउजेंड इन टू वन ये फोर बाई सिक्स होगा अच्छा ये टू बाई सिक्स होगा ठीक है तो ये हो जाएगा हम लोग का टू थाउ ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है और ये हो जाएगा हम लोग का टेन थाउजेंड ऐसे करके होगा ठीक है और ये जस्ट तो तुम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो ये कोई बड़ा बात नहीं है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं करना ये जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं करना तो ओवर एट का खर्चा हमें अपोर्शन करना पड़ सकता है ठीक है अच्छा ओवर एट का खर्चा एलोकेट कैसे कर सकते हैं एलोकेशन कैसे पॉसिबल है जैसे मान लो यही वाले एग्जाम्पल को हम लोग रिपीट करते हैं ये डिपार्टमेंट ए और बी में सेपरेट मीटर बॉक्स लगाए हुए हैं ठीक है ये डिपार्टमेंट ए है और ये डिपार्टमेंट बी है अब इसमें वही सेम तरीके से फोर लाइट यहां यूज होता है ठीक है और टू लाइट यहाँ पर यूज होता है बिल जो है वो कॉमनली नहीं आता है क्योंकि यहाँ भी एक मीटर बॉक्स लगाया हुआ है ठीक है यहाँ भी एक मीटर बॉक्स लगाया हुआ हुआ भी एक मीटर बॉक्स लगाया ठीक है थीके? तो इनका बिल जो है डायरेक्टली आ जाता है अब मान लो जो इलेक्ट्रिक बिल आया इनके पास एक बिल आया इनके पास एक बिल आया क्योंकि दो मीटर है तो दो बिल जरूर आएगा ठीक है दो मीटर है तो दो बिल जरूर आएगा अगर सब मीटर है सब मीटर का भी सिस्टम होता है तो फिर रीडिंग लिया जाता है मतलब वहां पर देखा जाता है कि कितना पहले यूज हुआ था कंजम इन टू जो है रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा मतलब अगर हम लोग का ये दो अलग अलग मीटर का जो है मतलब मीटर का कंसेप्ट क्या होता है एक तो हम लोग मीटर लगाते हैं जो एक मेन मीटर होता है सब मीटर भी होता है ठीक है तो अगर किसी का मेन मीटर है तो वहां पर तो बिल आएगा ही अगर ये सब मीटर भी जो है एज अ मेन मीटर लगाया गया है तो सेपरेट बिल आएगा नहीं तो क्या होगा यहां से रीडिंग देखना पड़ेगा कि कितना कंजम्पन क्या है डिपार्टमेंट ने, ने इन टू जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा अब मान लो सेपरेटली बिल आया और यहां पर बिल ट्वेंटी थाउजेंड का यहां पर सपोज बिल आया टेन थाउजेंड का तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एलोकेशन क्योंकि हमें डायरेक्टली दे दिया हम लोगों ने बिल निकाला बिल में देखा डिपार्टमेंट ए का बिल आया है ट्वेंटी थाउजेंड डिपार्टमेंट बी से बिल आया है बी के लिए बिल आया टेन थाउजेंड ठीक है तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे एलोकेशन जब हमें डायरेक्टली दे, दे देगा जब हमें नहीं देगा और हम लोग किसी बेसिस पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसे बोलते हैं अपोर्शन अपोर्शन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना और एलोकेट का मतलब होता है दिया गया है हम लोग जस्ट उसे एलोकेट कर देते हैं मतलब जिस डिपार्टमेंट का जितना है उस डिपार्टमेंट में उतना लिख देते हैं ठीक है ये होगा

देखो एस्टिमेटेड बेसिस पे क्यों होता है इसका रीजन ये है जैसे कि देखो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक चीज प्रोडक्शन कर रहा है ठीक है अब मान लो कोई जैसे मोबाइल ही प्रोडक्शन कर रहा है कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ठीक है अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोबाइल को मैन्युफैक्चर किया गया है तो मोबाइल का एक सेल प्राइस भी आइडेंटिफाई किया गया होगा कि कितने में मोबाइल को बेचेंगे ठीक है अब सेल प्राइस का मतलब क्या होता है सेल प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ठीक है प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करना चाहती कॉस्ट मतलब कंपनी ने जो भी खर्चा किया है इस मोबाइल को बनाने के लिए तो कंपनी ने क्या क्या खर्चा किया होगा मेटेरियल का खर्चा किया होगा ठीक है लेबर का खर्चा किया होगा और अदर एक्सपेंसेस का खर्चा किया होगा ठीक है अब देखो कुछ खर्चा ऐसा होगा जो कंपनी को पता है कि कितना हो रहा है जैसे कि मेटेरियल का खर्चा लेबर का खर्चा ठीक है लेकिन कुछ खर्चा ऐसा होगा जो कंपनी को नहीं पता चल रहा है कि कितना होगा वो बाद में पता चलेगा जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब जैसे मान लो कंपनी ने सात दिन के अंदर मोबाइल प्रोडक्शन कर लिया है हजार पीसेस अब वो बेचना चाहती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा मंथ के एंड में ठीक है एक महीने में कंपनी ने जो भी प्रोडक्शन किया उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कब आएगा वन मंथ बाद नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली आता है ठीक है तो वन मंथ बाद आएगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आने के बाद ही हम लोग मोबाइल को बेचना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा यहाँ पर कितना ऐड करना है हमारे पास बिल नहीं आया नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसा बहुत सारा खर्चा हो सकता है जिसका हमें एस्टिमेटेड सोच लेना पड़ेगा कि कितना अप्रोक्सिमेटली खर्चा हो सकता है उस बेसिस पे हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है ठीक है तो इसीलिए बोलते हैं कि ओवर को जो है एस्टिमेटेड बेसिस पे जो है आइडेंटिफाई किया जाता है Estimated basis पे ठीक है जैसे इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ऐसे जैसे मान लो कि मैंने किसी को मान लो मैंने किसी को कॉस्ट पढ़ने के लिए एडमिशन लिया ठीक है और उससे मैंने बोला कि मुझे फाइव थाउजेंड दो ठीक है मतलब पूरे कोर्स के लिए फाइव थाउजेंड कॉस्ट का ठीक है अब ये ये जो मैंने फाइव थाउजेंड बोला ये, मेरा कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड होगा ठीक है कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड होगा कॉस्ट मतलब मेरा मेहनत अब मान लो मैंने क्या दिया मैंने एक जो है मेटेरियल दिया मेटेरियल मतलब स्टडी मैट दिया ठीक है कॉस्ट बुक दिया ठीक है तो ये मेरा खर्चा है और हम पढ़ा रहे हैं ठीक है थीके? तो हम खुद मतलब या फिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं ठीक है थीके? वो लेबर का खर्चा हो गया अच्छा इसके अलावा क्या खर्चा होता है जब स्टूडेंट क्लास में आते हैं तो क्या क्या खर्चा हो सकता है जैसे मान लो अगर रेंट का मेरा ऑफिस है तो रेंट का खर्चा होगा वो तो फिक्स्ड है वो तो फिर भी पहले से पता चल जाता है कि रेंट का खर्चा कितना आएगा लेकिन अब देखो जैसे हम कोर्स का जो फीस आइडेंटिफाई करेंगे हम क्यों कोई भी करे ठीक है जैसे मैंने टीचर का एग्जांपल लिया डॉक्टर का भी हो सकता है अब देखो रेंट का खर्चा जो है वो तो हमें स्टूडेंट पे अपोर्शन करना पड़ेगा ना लेकिन हमें क्या पता कि पूरे कोर्स में कितने लोग एडमिशन लेंगे ठीक है मैक्सिमम दस जन लेंगे पंद्रह जन लेंगे वो तो हमें नहीं पता तो हमें कुछ एक बेसिस पे तो इस चीज को सोचा होगा ठीक है तो इसीलिए ऐसा खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यानी ओवर का खर्चा उसे हमें एस्टिमेटेड बेसिस

तो इस तरीके का खर्चा जो भी है वो हम लोग क्या करते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे मान लेते हैं कि हाँ मैक्सिमम इतना खर्चा हमारा हो सकता है ठीक है तो उसके बेसिस पे हम लोग अपना जो है selling price को identify कर पाएंगे तो इसीलिए बोला जाता है जो ओवर है उसे हम लोग एस्टिमेटेड वे में आइडेंटिफाई करते हैं अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहां पर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवर ओवर को कितने तरह से क्लासिफाई किया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवर ठीक है ओ एच लिख दियाट को हम लोग चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है पहला है बाय फंक्शन बाय फंक्शन बाय नेचर बाय एलिमेंट बाय कंट्रोल ठीक है अब फंक्शन बेसिस पे कैसे होगा जो तुम लोग कौशिट करते हो ठीक है कभी ना कभी कौशिट क्या होगा कौशीट में जिस तरीके से ओवरहेड के खर्चे को दिखाया जाता है वही वही है फंक्शन यानी एक्टिविटी बेसिस पे ओवरहेड के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना उसमें क्या क्या हो जाएगा पहला हो जाता है पहला हो जाता है फैक्ट्री मैन्यूफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवर इट प्रोडक्शन ओवर इट ठीक है फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवर इट इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं ठीक है जैसे कि मान लो मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी देखो प्लांट एंड मशीनरी कहां रहता है फैक्ट्री में रहता है तो फैक्ट्री में जो प्लांट मशीनरी है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो हम लोग का ओवर का खर्चा है क्यों क्योंकि वो खर्चा हम लोग यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और क्या हो सकता है इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने जो प्लांट मशीनरी लगा रखा है अपने फैक्ट्री में उसको उसका हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस का खर्चा कभी भी हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जैसे मोबाइल मैन्युफेक्चर कर रहे हैं ठीक है थेके? तो क्या हम लोग मशीन का इंश्योरेंस का खर्चा मोबाइल में मोबाइल को देख के बोल सकते हैं कि इसमें कितना इंश्योरेंस का खर्चा एड किया हुआ है नहीं इतने आसानी से नहीं बोल सकते तो ऐसे खर्चे को बोला जाता है या फिर जो भी डिप्रिशिएशन लग रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे तो वो भी हम लोगों का ओवरहेड का खर्चा हो गया फैक्ट्री रिलेटेड और क्या हो जाएगा जैसे कि फैक्ट्री सुपरवाइजर ठीक है फैक्ट्री में अगर कोई सुपरवाइजर हम लोगों ने अपॉइंट किया है तो उसका खर्चा तो यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री का सारा खर्चा लिख रहे हैं ठीक है यहां पर मेटेरियल लेबर या ओवर हम लोग सॉरी मेटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस बेसिस पे नहीं किया जैसे देखो ये लेबर का खर्चा हो गया है ना तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं सिर्फ फैक्ट्री बेसिस पे लिख रहे हैं कि फैक्ट्री में किस तरीके का ओवर का खर्चा हो सकता है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री के बाद तुम लोग देखना जैसे तुम लोग एड करते हो तो सबसे पहले डायरेक्ट मेटेरियल कॉशिट का बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस बनता है प्राइम कॉस्ट फिर उसमें क्या एड करते हो फैक्ट्री ओवर तो हम लोगों ने यहां दिखा रही यह सब ऐड करने पे आता है फैक्ट्री कॉस्ट नेक्स्ट आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ये क्या है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर होता है office में जो भी काम करते हैं उनका actually काम क्या होता है monitor करना different, different department को monitor करना को तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं office and administration over it का, का काम क्या है टू मॉनिटर जैसे इस इस डिपार्टमेंट का काम क्या है मैन्युफैक्चर करना ठीक है तो चाहो तो उसमें लिख लो मैन्युफैक्चर करना इसमें हम लिख देते हैं टू मॉनिटर डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक उंट प्रोडक्शन ठीक है प्रोडक्शन करना नहीं मॉनिटर करना ठीक है प्रोडक्शन तो फैक्ट्री uh, में होगा तो मॉनिटर करना डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये सब ठीक है अच्छा एग्जांपल लेते हैं <laughs> यहाँ पर uh, कौन से कौन से खर्चे ओवरहेड में आएंगे जैसे सैलरी टू स्टाफ ऑफिस में जो भी स्टाफ है उनको हम लोग जो सैलरी पे कर रहे हैं ठीक है ये हम लोग का कौन सा खर्चा होगा ये हम लोग का ओवरइट का खर्चा होगा क्योंकि जब हम लोग कोई ऑफिस में बैठे हुए स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं और हमारे फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है तो हम लोग उस आइटम को यानी उस फिनिश गुड्स को देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि सैलरी का खर्चा उस प्रोडक्ट पे कितना लगा हुआ है डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते ठीक है अच्छा डिप्रिशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डिप्रिशिएशन ऑफ ऑफिस Building. ऑफिस बिल्डिंग जो है जहाँ ऑफिस है वहां डिप्रिसिएशन हो रहा है उस बिल्डिंग का तो डेप्रिशिएशन का खर्चा हम लोग प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं बोल सकते मतलब जैसे ये टेबल वाला एग्जांपल ये टेबल को देख के बोल सकते हैं कि इस टेबल को बनाने के लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर का भी तो खर्चा उतना ही मैंडेटरी था जितना इसके लिए लकड़ी का खर्चा मैंडेटरी था ऑफिस ओवर भी तो हमें जरूरत है ठीक है ऑफिस में स्टाफ भी हमें जरूरत है तो ये देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जो अकाउंट संभालते हैं उनको जो सैलरी देते उसका कितना इस टेबल पे खर्चा एड करें ठीक है ये चीज हम बताएं चाह रहे तो ये हम लोग आसानी से नहीं बोल सकते हैं तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और क्या दे सकते है? पोस्टेज हैं? यूज होता है, तो वो का खर्चा ठीक है जो कि हम लोग फिनिश गुड्स में देख के नहीं बता सकते कितना हो रहा है तो ये सारी चीजों का खर्चा हो जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट ओवर इट का मतलब इनडायरेक्ट खर्चा और एकदम एंड में आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरइट ठीक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरइट इसमें कौन कौन सा खर्चा आ जाएगा <coughs> यहां पर आ जाएगा देखो सेल्स मैन कमीशन ठीक है हम लोग सेल्समैन को कोई कमीशन दे रहे हैं देखो सेल्समैन भी तो कितना इंपॉर्टेंट है सेल्समैन नहीं होगा तो प्रोडक्ट बना के क्या बैठे रहेंगे किसी को तो सेल करने के लिए हेल्प करना पड़ेगा तो उसके लिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है तो सेल्समैन को अगर हम लोग कोई कमीशन दे रहे हैं तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को देख के ना ये नहीं बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में सेल्समैन के कमीशन का खर्चे का कितना पोर्शन लगाना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट ठीक है एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ रहा है हाँ हम लोगों ने ऐसा कोई नया मोबाइल लॉन्च किया है या नया कोई प्रोडक्ट बना रहे तो उस, उसको बताने के लिए मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है उसका भी खर्चा होता है तो वो भी तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही एड करेंगे नहीं तो कस्टमर से ही तो रिकवर करना है लेकिन कैसे करें वही सीखना है हमें ओवर इट चैप्टर में ठीक है आप जैसे मान लो डिलीवरी वैन यूज कर रहे हैं डिलीवरी वैन का जो डेप्रिशिएशन हो रहा है ठीक है वो भी हमारे सेलिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हो गया ये दो देखो पर्टिकुलरली सेलिंग का हो गया ये दो ठीक है और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया ठीक है ये सेलिंग के लिए पर्टिकुलरली हो गया तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन वाइज अगर देखें तो ओवर एड को कितने तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ठीक है इसके बाद देखेंगे नेचर बाय नेचर हम लोग ओवर एड को कितने तरीके से डिवाइड कर सकते बाय नेचर हम लोग ओवर एड को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर जगह नहीं होगा हम नेक्स्ट पेज में ही लिख रहे हैं बाई नेचर ओवर एट तीन तरीके से डिवाइड हो सकता है फिक्स्ड ओवर एट वेरिएबल ओवर एट और सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल ठीक है, ओवर एट का मतलब होता है जो ओवर का खर्चा चेंज नहीं होता है अब चेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आउटपुट के ऊपर ठीक है आउटपुट ज्यादा हो या कम हो मतलब फिनिश गुड्स हमारा कैसा भी प्रोडक्शन हो या तो जीरो प्रोडक्शन हो या तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो हमारा खर्चा उतने का उतना ही रहेगा जैसे मान लो बिल्डिंग का रेंट ठीक है अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे, मेरे पास पांच जन आए तो भी मेरे रूम का रेंट जो होगा मेरे पास दस जन आए डिपेंड कर रहा है कि हम कितने लोगों को उस रूम में बैठा सकते वैसे ये भी डिपेंड करता है ना फैक्ट्री में मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन फैक्ट्री में मैक्सिमम जो भी प्रोडक्शन हो या मिनिमम हो या जीरो प्रोडक्शन हो रेंट तो हमें भरना ही पड़ेगा तो जो खर्चा हम लोगों का प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है मतलब इसको हम लोग लिखेंगे नॉट वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट आउटपुट के लेवल के साथ जो वैरी नहीं करेगा उसको हम लोग बोलते हैं फिक्सड ओवर इट एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं रेंट फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग भी हो सकता है ठीक है ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया और सैलरी ए टू परमानेंट स्टाफ ठीक है परमानेंट स्टाफ जैसे अगर हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है कि वहां बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का डिमांड आ रहा है आपको काम करना है अगर डिमांड कम हो जाएगा तो आपको हम लोग मतलब बोलेंगे चले जाने के लिए ठीक है ऐसा भी काम होता है कि ज्यादा काम में हम लोगों ने रख लिया और बात कर ही लिया था कि अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर आपको और नहीं आना है ठीक है ऐसा बात कर, करके ही हम लोगों ने उनको काम पे रखा ऐसा भी हो सकता है इसीलिए मैंने लिखा सैलरी पे टू परमानेंट स्टाफ अगर परमानेंट स्टाफ को हम लोग जो सैलरी दे रहे तो प्रोडक्शन ज्यादा हो या प्रोडक्शन कम हो प्रोडक्शन ज्यादा होने से वो ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते सकते उनका काम बढ़ेगा लेकिन वो मांग नहीं सकते प्रोडक्शन कम होने से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आपको कम पे करेंगे ठीक है ये फिक्स्ड ओवर हो गया अब वेरिएबल ओवर जो कि प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा आउटपुट के साथ तो इसको लिखते हैं ओवर एट विच विल चेंज विथ द चेंज इन लेवल ऑफ विल वेरी लिख दो विच विल वेरी विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ठीक है आउटपुट के लेवल पे अगर चेंजेस होता है तो वेरिएबल uh, ओवर हम लोग का चेंज हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि फैक्ट्री में जो फ्यूल का खर्चा होता है जैसे कि फ्यूल कॉस्ट ठीक है अगर हम लोग बना तो लो लो बनाते हैं दो हजार यूनिट तो उसपे हम लोग का खर्चा आ जाएगा पांच रुपए करके दस हजार रुपया अगर हम लोग बनाते हैं पांच सौ यूनिट तो देखो हम लोग का पांच रुपए करके फिफ्टीन हंड्रेड सॉरी टू फाइव डबल जीरो आएगा तो

ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शन है एग्जाम्पल के तौर पे देखो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ठीक है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ठीक है अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं देखो जैसे मान लो कि फिक्सड हमारे फैक्ट्री में थाउजेंड यूनिट प्रोडक्शन होता ही है ठीक है थाउजेंड यूनिट जो है फिक्स्ड प्रोडक्शन है मतलब इतना डेली का प्रोडक्शन हम लोग का होता ही है ठीक है और इसके अगेंस्ट में मशीन जो है सिक्स आवर्स चल रहा है ठीक है और यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन For so, this is six hours and bill equal to rupees. 6000 ये मैंने लिखा कि हम लोग अपने फैक्ट्री में फिक्स सिक्स वन uh, थाउजेंड यूनिट बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पन होता है इसके लिए सिक्स आवर्स और बिल्स आता है बिल आता है छ हजार रुपए का ठीक है अब अगर हम लोगों ने किसी दिन नाइन आवर्स काम कर लिए ठीक है अगर हम लोग अपने फैक्ट्री में किसी दिन नाइन आवर्स काम करवा लिया ठीक है तो इसमें देखो हम लोग का छह घंटा तो फिक्सड होता ही है हम लोग छे घंटा तो काम करवाते ही है तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा कितना करवा दिया तीन घंटा ठीक है छ घंटे में बिल कितना आता है है छह घंटे में बिल आता है हम लोग का छ हजार रुपए ठीक है अब हम लोग का ये तो फिक्स्ड ही था तो हम लोग का एक्स्ट्रा बिल कितना आया अब इसके लिए हमें पर यूनिट देखना पड़ेगा अब मान लो यहाँ पर यहाँ कितना करके हो रहा है पर यूनिट छह घंटे में छह घंटा चलने से छह हजार रुपए मतलब हजार रुपए करके तो यानी तीन हजार. रुपए हो गया ये वेरिएबल हो गया ठीक है ये वे, वेरिएबल हो गया तो ये हम लोग का और का और वेरिएबल अप कागजाम्पल हुआ मतलब ये खर्चा कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है क्योंकि हमें पता है हम लोग यूनिट बनाते ही हैं हैं और उसके लिए घंटा काम करते तो घंटा काम करना हमारे लिए फिक्स था लेकिन हम लोगों ने नौ घंटा काम किया तो वेरिएबल पोर्शन कितना हो गया तीन घंटा क्योंकि नेक्स्ट डे जरूरी नहीं है कि हम लोग तीन घंटा और भी जो है काम करें ठीक है जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे मान लो हम लोगों का नॉर्मली क्लास जो है अप्रोक्सिम दो घंटे का होगा अब किसी दिन अगर मैंने तीन घंटा पढ़ा दिया तो दो घंटे तक तो मेरा फिक्स है तो मेरा वेरिएबल पोर्शन क्या आ गया जो एक घंटा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया ठीक है वो होता है हम लोगों का फिक्स सेमी, फिक, सेमी वेरिएबल का ठीक है? ये हो गया अच्छा अब और ये देखो ये भी हमारे आउटपुट के ऊपर चेंज कर, डिपेंड कर रहा है अब देखो थाउजेंड तो हमारा फिक्स्ड है आउटपुट ठीक है तो इसीलिए देखो अब यूनिट बनाने के लिए जो खर्चा होगा वो तो वैसे भी होना ही है ठीक है तो ये पोर्शन हमारा फिक्स्ड हो गया और जो एक्स्ट्रा पोर्शन प्रोडक्शन के लिए हमारा खर्चा हुआ वो हम लोग का हो जाएगा वेरिएबल अच्छा अब इसके बाद पढ़ेंगे बाई एलिमेंट अब बाई एलिमेंट क्या होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है एलिमेंट के हिसाब से ओवरइट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है डायरेक्ट यहाँ पर सॉरी डायरेक्ट इंडीरियल इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा इंडीरियल क्या होता है इनडायरेक्ट लेबर ठीक है एक्सपेंस ये एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था ये फर्नीचर वाला वहां पर हम लोगों ने देखा ठीक है अच्छा अब बाय कंट्रोल कंट्रोल के हिसाब से ओवरइट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है यहां पर लिखेंगे बाय कंट्रोल बाय कंट्रोल कंट्रोल के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल तो यहां पर लिखते हैं कंट्रोलेबल कंट्रोल लेवल का मतलब होता है जिस खर्चे को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अनकंट्रोलेबल जिसको नहीं कर सकते कंट्रोलेबल का मतलब पहले लिखते हैं कैन बी कंट्रोल्ड बाई applying प्रॉपर पॉलिसी ठीक है प्रॉपर पॉलिसी को एडॉप्ट करके हम लोग चाहे तो उस खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे मान लो कि फैक्ट्री में ऐसे फैक्ट्री में लेबर आने के बाद मशीन जो है वो ऑन होता है दस बजे ठीक है मशीन 10 बजे चालू हो जाता है प्रोडक्शन के लिए ठीक है उसके बाद लेबर जो है चले जाते हैं लंच करने के लिए एक बजे ठीक है अब इसके बाद एक बजे लेबर चले जाएंगे लंच करने के लिए ठीक है लंच टाइम अब वो लौट के आके फिर से काम पे लगते हैं दो बजे ठीक है मतलब एक घंटे का ब्रेक रहता है सपोज ठीक है या फिर डेढ़ बजे कर देते हैं आधा घंटा ठीक है आधा घंटे का ब्रेक रहता है अब इस बीच में ऐसा अगर लेबर कर रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपरली जो है आ, मशीन्स वगैरह को बंद नहीं किया जो बंद किया जा सकता है, या फिर मान लो पंखा चल रहा है या फिर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पन हो रहा है लेकिन लोग वहां पर नहीं है जैसे ऐसा हो सकता है ना जैसे मान लो ऑफिस में सारे लोग चले गए खाना खाने के लिए बाहर लेकिन ऑफिस का जो है पंखा वंखा ए सब चल रहा है लेकिन रूम में कोई नहीं है सपोज ऐसा अगर होता है तो इस खर्चे को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आधा घंटे के लिए बेकार में जो है इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ठीक है तो इस चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर पॉलिसी अडॉप्ट करके मतलब हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉपर पॉलिसी लेना पड़ेगा ऐसा करने से नहीं चलेगा ठीक है या फिर मान लो लेबर जो है मेटेरियल का वेस्टेज कर रहे हैं ठीक है फैक्ट्री में मेटेरियल वेस्टेज हो रहा है तो क्या हम लोग बोलेंगे हो रहा है हो रहा है लेबर कर रहा है कर रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग लेबर को प्रॉपरली समझाएंगे कि आप लोग ऐसे मेटेरियल वेस्टेज मत करो और उसको कैसे बिना वेस्टेज के हम लोग यूज कर सकते वो भी सिखाएंगे ठीक है तो ट्रेनिंग देंगे कि कैसे लेस्ट वेस्टेजेस के थ्रू से हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं तो प्रॉपर पॉलिसी का मतलब तो यही हो गया ना लोगों को समझाना पड़ेगा रूल्स लाना पड़ेगा ट्रेनिंग देना पड़ेगा डिपेंड करता है कि कैसा कॉस्ट हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं जैसे मेटेरियल वेस्टेज हो रहा है तो कैसे प्रॉपरली मेटेरियल का यूज करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा ठीक है तो कुछ होता है एथिकल मैटर समझाना पड़ता है कुछ होता है ट्रेनिंग देना पड़ता है तो उस हिसाब से हम लोग जो है अपना खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं बट अनकंट्रोलेबल का मतलब होता है कांट बी कंट्रोल्ड बाई कांट बी कंट्रोल्ड बाई एप्लाइंग प्रॉपर पॉलिसी अप्लाइंग प्रॉपर पॉलिसी प्रॉपर पॉलिसी अप्लाई करके हम लोग इस खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जैसे कि डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अब मशीन एक बार यूज पे आ गया तो फिर अब उस पर प्रोडक्शन करो ना करो क्या फर्क पड़ता है डिप्रिशिएशन तो लगता ही जाएगा ठीक है डिप्रिशिएशन तो चलता ही जाएगा आप चाहे मशीन चले ना चले चाहे एक महीना बंद ही रखो डिप्रिशिएशन का खर्चा होगा ये हमारे हाथ में नहीं है हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अब जैसे मान लो टैक्सेस एंड रेट्स हम लोग जो भी प्रोडक्ट product, प्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इसके ऊपर हमारा जो टैक्सेस वगैरह जो भी टैक्स का रेट वगैरह होगा वो कौन डिसाइड करता है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कब हमें टैक्स का कितना खर्चा पे करना पड़ेगा क्या रेट्स फॉलो करना पड़ेगा ये भी हमारे हाथ में नहीं तो इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसिस और ये भी ओवर क्यों है ये खर्चा टैक्स वाला या फिर मशीन वाला तो मैंने बताया टैक्स वाला क्यों क्योंकि हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स ये थोड़ी ना बोल सकते कि इस पे हमारा टैक्स का खर्चा कितना गया लेकिन वो भी कस्टमर से रिकवर करते हैं तो देखेंगे किस तरीके से अपोर्शन किया जा सकता है अच्छा नेक्स्ट य ये देखो ये चार तरीके का जो है ये हम लोगों ने पढ़ लिया बाई फंक्शन बाई नेचर बाई एलिमेंट बाई कंट्रोल ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहां पर मैंने तुम लोग को जो एलोकेशन और एपोर्शन सिखाया था ना ये देखो एलोकेशन एंड एपोर्शनमेंट उसका एक डेफिनेशन लिखवा देते हैं देखो यहाँ पर वेन इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवर एट वेन इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेट इन डिपार्टमेंट देन इट इज कॉल्ड एलोकेशन अगर डायरेक्टली वो खर्चा में पता चल रहा है कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना है तो इसे हम लोग डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में चार्ज कर देंगे जिसे बोला जाता है एलोकेशन और अगर नहीं पता चलता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी ना किसी प्रॉपर बेसिस पे ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन of cost between various department on some reasonable basis रीजनेबल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दिया था जस्ट मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिखवा दिया ये देखो ये लाइट uh, और फैन के बेसिस पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ नहीं करना पड़ा क्योंकि डायरेक्टली बिल आ गया था तो हमें पता चल गया कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना है ठीक है अच्छा नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ ओवर हेट देखो एलोकेशन तो आसान है एलोकेशन जो होगा जिस डिपार्टमेंट का हम लोग लिख लेंगे लेकिन अपोर्शनमेंट ऑफ ओवर एट वो मेनली देखो ओवरहेड को जब डिपार्टमेंट का बात हो रहा है ना ये बार बार जो डिपार्टमेंट का बात हो रहा है मैंने तो एक्जाम्पल में तुम लोग को डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दिखा दिया एक्चुअली ओवरहेड में डिपार्टमेंट को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक प्रोडक्शन और एक सर्विस डिपार्टमेंट और उसमें खर्चे को अपोर्शन किया जाता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवर एड ठीक है मेनली दो डिपार्टमेंट में अपोर्शन किया जाता है एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट ठीक है अब क्या ये दोनों डिपार्टमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होगा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर ट्रेड करें मतलब ट्रेडर होंगे या मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर होंगे तो यहाँ पर तो हम लोग मैन्युफैक्चर बेसिस पे ही पढ़ रहे तभी ओवरइट का खर्चा वगैरह देख रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब ये जहां पर फिनिश गुड्स बन रहा है ठीक है सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब है ये कंप्लीमेंट्री डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन का काम स्मूथली रन हो इस वजह से सर्विस डिपार्टमेंट बनाया जाता है सर्विस डिपार्टमेंट बनाना नहीं है लेकिन अगर कुछ मेडिकल फैसिलिटीज रखा गया कि लेबर लोगों को थोड़ा मोड़ा कोई चोट, चोट लगता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसका मैनेजमेंट रखेंगे तो सर्विस डिपार्टमेंट जस्ट एक कंप्लीमेंट्री डिपार्टमेंट है जो नेसेसरी नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लेकिन अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसे स्मूथली रन करवाने के लिए ऑब्वियसली जरूरी है तो जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वही दो डिपार्टमेंट बनाएगा क्योंकि डिपार्टमेंट ब... जितना बढ़ेगा खर्चा भी उतना ही बढ़ेगा तो मेरा काम ज्यादा है तभी ना हम काम को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करेंगे नहीं तो क्यों करें ठीक है तो यहां पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसमें लिखो डायरेक्टली लिंक्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट क्या है डिपार्टमेंट कंप्लीमेंटरी द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कंप्लीमेंटरी करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू अचीव देयर गोल To okay. ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो गोल है वो स्मूथली अचीव हो पाए जैसे एग्जांपल के तौर पे कैंटीन सर्विस कैंटीन सर्विस अगर रहेगा तो वर्कर लोगों को बाहर जाके खाके आने में जो टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा टाइम का बचत होगा तो हम लोग का प्रोडक्शन थोड़ा हमें आउटपुट वर्कर से और भी ज्यादा मिलेगा ठीक है ऐसे मान लो वर्कर बाहर जाके आते थे तो आधा घंटा लगाते थे अभी 20 मिनट में जो है रेडी हो जाते हैं टिफिन के बाद या फिर लंच के बाद जो भी हो तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा कैंटीन सर्विस का फैसिलिटी रखने से हमारा जो है टाइम बचता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना गोल अच्छे से अचीव कर पाएगा दूसरा है अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी रख रहे हैं मेडिकल सर्विस ये भी अच्छा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वर्कर को अगर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हुआ है बड़ा प्रॉब्लम होगा तो वो तो बात अलग है वो तो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा लेकिन अगर एक मेडिकल टीम रहता है तो वो जाके तुरंत वर्कर को जो है मतलब सर्विस दे सकता है उनको जो भी प्रॉब्लम हुआ है उस रिगार्डिंग ठीक है रिफ्रेशमेंट सर्विस अगर कुछ रिफ्रेशमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी हम लोग का सर्विस डिपार्टमेंट ये कोई भी देखो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ऐसा नहीं है कि कैंटीन नहीं होगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है कि मेडिकल सर्विस नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है कि रिफ्रेशमेंट सर्विस नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करवाने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया है अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि मान लो पैकिंग डिपार्टमेंट पैकिंग डिपार्टमेंट जो पैकिंग का काम कर रहा है ठीक है प्रोड्यूस गुड्स को पैक करने का काम कर रहा है जैसे पैकिंग में भी दो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी तो यहाँ पर मेनली हम प्राइमरी पैकिंग का ही बात कर रहे हैं मतलब जिसके बिना वो प्रोडक्ट जो है ट्रांसफरेबल नहीं होगा ठीक है इस तरीके के पैकिंग को हम लोग प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं जैसे कि मान लो कि अगर हमें आ, मस्टर्ड ऑयल जो है सेल करना है अगर हम लोग मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें कुछ तो कंटेनर रखना पड़ेगा चाहे वो आ, मतलब ग्लास बॉटल हो ठीक है या प्लास्टिक का बॉटल हो या फिर पाउच हो तो पैकिंग हमारे लिए यहाँ पर नेसेसरी है ठीक है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली लिंक कर रहा है प्रोडक्शन के साथ जैसे की पैकिंग डिपार्टमेंट का मैंने एग्जाम्पल वो पैकिंग नहीं जो की चीजों को आ, मतलब अच्छे एट्रेक्टिव दिखाने के लिए किया जाता है उस पैकिंग का बात नहीं हो रहा है वो तो होता है सेकेंडरी पैकिंग ये जो पैकिंग डिपार्टमेंट का बात हो रहा है जो

नीटिंग डिपार्टमेंट ठीक है ये ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स हमारा हो गया ये सर्विस से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया तो सर्विस डिपार्टमेंट मैंडेटरी नहीं है अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो अपने काम को स्मूथली रन करवाने के लिए ऑब्वियसली सर्विस डिपार्टमेंट हमें रखना चाहिए ठीक है अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ एपोर्शनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो अपोर्सनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या है सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले करना पड़ता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फिर होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है फिर एब्जॉपन करवाया जाता है एब्जॉपन ऑफ ओवर इट मतलब दो बार डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर कोई खर्चे को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका दो बार डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी ठीक है अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है अगर हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है तो ठीक है तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा फिर वो सारे खर्चे को एड करके हम लोग ओवर मतलब एब्जॉर्ब करवाते हैं फिनिश गुड्स में जिसको बोला जाता है एब्सॉर्बन ऑफ ओवर हम समझाते हैं इसको डिटेल्स में देखो जैसे यहाँ पर है एक हम लोग ले लेते हैं ओवरहेड कॉस्ट ठीक है कोई ओवरहेड कॉस्ट है अब दो डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का का नॉर्मली तुम लोग दो ही डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है सर्विस डिपार्टमेंट भी है और दोनों डिपार्टमेंट का अपना अपना खर्चा हुआ होगा ठीक है अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ खर्चा अब ये सारे खर्चे को एक्चुअली ट्रांसफर कहा करना है फिनिश्ड गुड्स में क्योंकि हमें कस्टमर से रिकवर करना है तो सारे खर्चे को हमें ट्रांसफर कहां करना है फिनिश गुड्स में आप

या तो एलोकेशन अगर एलोकेट हो पा रहा है तो एलोकेशन मतलब डायरेक्टली अगर खर्चा दे दिया है तो एलोकेट कर देगा और अगर नहीं दिया है तो किसी बेसिस पे अपोर्शन करेगा सेम चीज सर्विस डिपार्टमेंट भी करेगा सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे को एलोकेट भी कर सकता है अगर उसे डायरेक्टली दे दिया या फिर अपोर्शन भी कर सकता है ठीक है अच्छा उसके बाद ये जो अपना अपना खर्चा ये लोग एलोकेट और एपोर्शन कर रहे हैं ना ठीक है अपने अपने डिपार्टमेंट में जो एलोकेट और एपोर्शन कर रहे हैं इस तरीके को बोला जाता है इस चीज को बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है ये है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन सर्विस डिपार्टमेंट है तीनों सर्विस डिपार्टमेंट में अपना अपना खर्चा एलोकेट अपोर्शन कर लिया है दैट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पर भी हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अच्छा अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है इस ट्रांसफर को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि एक बार तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था अपने अंदर फिर ये अपना खर्चा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो ये देखो यहाँ पर वही लिखा है पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिपार्टमेंट इंडिविजुअली करेगा फिर अगर सर्विस डिपार्टमेंट है तो फिर वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर लिखवा देते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Cost of service, cost of service department between production department. देखो क्या लिखा मैंने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल कॉस्ट निकल के आया उसका हमें क्या करना है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके को बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब इसका हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन भी लिख लेते हैं ये देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर लिखते हैं एपोर्शन प्राइमरी मतलब अपोर्शन या एलोकेशन ठीक है एपोर्शन और एलोकेशन ऑफ ओवर एड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे जब इंडिविजुअली अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट या अपोर्शन कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी अभी हम लोगों ने यहां पर समझा ये क्या था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एपोर्शनमेंट ऑफ ओवर एड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है सर्विस डिपार्टमेंट अपना ओवर का खर्चा अगर अपोर्सन कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में क्या होता है सारे खर्चे को ऐड करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया जाता है जिसको बोला जाता है एब्जॉर्ब करना ठीक है खर्चे को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है फिनिश गुड्स तो एब्जॉर्ब ओवर हेड ये क्या होता है एब्जॉर्ब्शन ऑफ ओवर का मतलब एब्जॉर्बिंग टोटल कॉस्ट मतलब टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवर इट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवर इट आफ्टर एपोर्शन आफ्टर एपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट two finish goods समझा रहे हैं ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा है एब्सॉर्बिंग टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवर अब टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्यों लिखा देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ए बी ठीक है सर्विस डिपार्टमेंट है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो सी डी ठीक है अब क्या होगा सी डी में जो भी खर्चा आया ये टोटल कर लिया जाएगा अपने हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना जो भी खर्चा है इसको टोटल कर लेगा अपने हिसाब से फिर ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा ये दोनों डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो ये खाली हो जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट अगर अपना खर्चा खर्चे का बर्डन पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो ये खाली हो गया इसीलिए इसीलिए में 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 खर्चा खर्चा हमें production department में ही दिखेगा। बोला जा रहा है absorbing total production department. अब ये service department का इसीलिएगाड हो जाएगा और आएगा टोटल ओवर का खर्चा तो एब्सॉर्बिंग टोटल प्रोडक्शन ओवर डिपार्टमेंट टू फिनिश गुड्स ठीक है क्या हो रहा है अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू फिनिश गुड्स नहीं सॉरी सर्विस डिपार्ट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चा अपोर्शन होने के बाद ठीक है सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चा अपोर्सन होने के बाद यह खर्चा जब पूरा पूरी प्रोडक्ट में एड हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एब्स ठीक है अच्छा अब यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा उसका स्टेप्स ठीक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता का डेफिनेशन सेकेंडरी और एब्सॉर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे किया जाता है उसमें तीन स्टेप फॉलो होता है पहले क्या होगा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट समझाते हैं फिर स्टेप टू भी लिख लेते हैं फिर समझा देते हैं स्टेप टू और स्टेप थ्री स्टेप टू Allocation and apportion of overhead in production and service department or step three absorption of overhead absorption of over it as uh, on reasonable basis okay देखो जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब अपना खर्चा अपने हर एक डिपार्टमेंट में एलोकेट या एब्जॉर्प्शन करेगी अब एलोकेट होगा तो एलोकेट करेगी एब्जॉर्प्शन का सिचुएशन होगा तो एब्जॉर्प्शन करेगी और सर्विस डिपार्टमेंट जब अपना खर्चा अपने डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट या एब्जॉर्प्शन करेगा तो यहां पर देखो मैंने लैंग्वेज क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगा उसको

पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस पड़ रहे हैं तो इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट का बात में डायरेक्ट कॉस्ट आएगा प्रोडक्शन वाले में नहीं आएगा ठीक है तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्ट कॉस्ट है वो सर्विस डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के ऊपर एलोकेट भी कर सकता है और एपोर्शन भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी एपोर्शन ये भी लिख लो एपोर्शन एलोकेट एंड डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट अपने अंदर, अपने खर्चे को एलोकेट करेंगे ये इनडायरेक्ट ओवरहेड ठीक है आप कोई ओवरहेड का खर्चा है जो सर्विस डिपार्टमेंट अपने अंदर क्या करेगा एलोकेट एपोर्शन कर सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अपने अंदर एलोकेट एपोर्शन कर सकता है अच्छा हाँ एक बात ये अपोर्शन जो मैंने अभी, अभी इसमें एड करवाया इसको हटा दो क्यों हम ये इसीलिए बोल रहे है क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट को ना एपोर्शन नहीं किया जाता है डायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट ही किया जाता है तभी तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है तो डायरेक्ट

करके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक अच्छा, है कुछ खर्चों का एग्जाम्पल बताते हैं ठीक है इसको तुम रटो मत, हम जैसे मान लो फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री बिल्डिंग अब फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो हमारा खुद का भी हो सकता है ठीक है या फिर रेंट में भी हो सकता है अगर खुद का है तो इसको बोलेंगे owned, और अगर रेंट पे लिया है तो रेंट लिखेंगे अब अगर फैक्ट्री बिल्डिंग खुद का है तो कौन कौन सा खर्चा हमें जो है एलोकेट करना पड़ सकता है जैसे मान लो डेप्रिशिएशन का खर्चा ठीक है रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा अच्छा इंश्योरेंस का खर्चा म्युनिसिपल टैक्स फैक्ट्री क्लीनिंग ये सब खर्चा हमारा हो सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग के रिगार्डिंग अगर रेंट पे लिया गया है फैक्ट्री बिल्डिंग तो उसमें हमारा रिपेयर्स मेंटेनेंस आ सकता है ठीक है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अब रेंट में क्या होता है हर तरीके का एग्रीमेंट होता है कि आ, अगर मान लो पांच हजार रुपए तक का खर्चा हुआ तो फिर आपको नहीं देना है जैसे टेनेंट बोल रहा है कि पांच हजार मतलब जो ओनर है बिल्डिंग का वो बोल रहा है पांच हजार तक का अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होगा फैक्ट्री बिल्डिंग का तो हम करेंगे ठीक है अगर उससे ज्यादा होगा तो आधा आधा बांट लेंगे इस तरीके से रेंट एग्रीमेंट में अलग अलग ऑप्शन लिखा हुआ रहता है तो रेंट का बिल्डिंग भी होगा तो रिपेयर मेंटेनेंस हमें देना पड़ सकता है ठीक है और फैक्ट्री क्लीनिंग खुद यूज करेंगे तो क्लीनिंग भी खुद ही करवाना पड़ेगा तो उसका खर्चा देना पड़ सकता है इंश्योरेंस का नहीं देना पड़ेगा क्योंकि देखो अगर हमारा बिल्डिंग नहीं है तो इंश्योरेंस तो जो ओनर है वही भरेगा ना और डिप्रिशिएशन भी उसी का चार्ज होगा म्यूनिसिपल टैक्स भी वही भरेगा और यहाँ पर रेंट का खर्चा हमें देना पड़ सकता है और इस तरीके का फैक्ट्री बिल्डिंग का जो भी खर्चा है इसे हम लोग कैसे जो है एपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया चाहे खुद का हो चाहे रेंट का हो ये खर्चे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्लोर एरिया बेसिस पे ठीक है अच्छा इसके बाद नेक्स्ट खर्चा लिखते हैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ठीक है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइट का होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा तो फ्लोर एरिया पे ठीक है ये देखो अगर लाइट होता है तो नॉर्मली लाइट पॉइंट पे और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बोला हुआ है तो फ्लोर एरिया पे ठीक है ये करते करते आदत हो जाएगा फिर इसको रटने का भी जरूरत नहीं होगा हाँ एक बार थ्रू कर सकते हो एक सेकेंड रुको एक सेकेंड अच्छा देखो थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या है थर्ड नंबर पॉइंट में है इनडायरेक्ट नहीं प्लांट एंड मशीनरी ठीक है प्लांट एंड मशीनरी ये भी दो तरीके का हो सकता है या तो खुद का है तो क्या खर्चा होगा अगर रेंट पे लिया है तो क्या खर्चा होगा अगर खुद का है तो उसमें क्या क्या खर्चा हो जाएगा जैसे कि डिप्रिशिएशन का खर्चा हो जाएगा इंश्योरेंस का रिपेयर्स मेंटेनेंस का रिपेयर्स मेंटेनेंस मैंने आर्सलेस एम लिख दिया ठीक है और अगर हम लोग का ये खर्चा हम लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है तो हम लोग का क्या क्या खर्चा आएगा सबसे पहला रेंट आएगा और रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आएगा और इस तरीके के खर्चे प्लांट मशीनरी का जो भी खर्चा होगा उसे हम लोग कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बुक वैल्यू या कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे बुक वैल्यू और कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो दिया हुआ रहेगा उस बेसिस पे हम लोग ये सारे खर्चे जैसे डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फोर्थ नंबर पे देखो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट अगर कोई इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट है जैसे कि ऑयल यूजिंग इन मशीन और रनिंग ठीक है ये एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में भी लिया था तो इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी हमारा कोई इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट आएगा तो उसे हम लोग डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक है थीके? इसका रीजन भी हम बता देंगे जब हम लोग करेंगे पहले लिख लेते हैं जो भी है पॉइंट फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ठीक है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जैसे कि देखो रिफ्रेशमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्लॉइज रिफ्रेशमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्लॉइज इसे कैसे किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ठीक है अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे तो एक चीज देखो जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है वो हम लोगों के डायरेक्ट बेसिस पे इनडायरेक्ट मेटीरियल डायरेक्ट मेटीरियल पे डिपेंड करेगा इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे डिपेंड करेगा जैसे देखो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं इनडायरेक्ट लेबर में जैसे सुपरवाइजर आता है ठीक है और यहाँ पर हम लोग अगर सुपरवाइजर का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो सुपरवाइजर का खर्चा अगर हमें बोल देगा कि कितने इम्प्लॉय को दे लुक आफ्टर कर रहे हैं तो उस बेसिस पे होगा लेकिन अगर हमें कोई इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जस्ट नाम दे

इंप्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर इंप्लॉय रिलेटेड कोई एक्सपेंसेज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे कि सुपरवाइजर चार्जेस सुपरवाइजर चार्जेस अच्छा कैंटीन का खर्चा एम्प्लॉय लोगों के लिए तो कैंटीन रखा गया है कैंटीन का खर्चा पर्सोनल डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब एचआर डिपार्टमेंट जो लोगों को रिक्रूट वगैरह करते हैं ठीक है थीके? अच्छा और टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस टाइम कीपिंग के लिए हम लोग एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उनके लिए जो खर्चा पे होता है टाइम कीपिंग एक्सपेंस इस तरीके के सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूट अगर करना होता है अगर डायरेक्टली दे दिया है तो बात अलग है अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं नंबर ऑफ इम्प्लॉज बेसिस पे ठीक है एक सुपरवाइजर जितने इंप्लॉय को जो है लुक आफ्टर करता है उस बेसिस पे मान लो औ, और डिपार्टमेंट में टेन ए डिपार्टमेंट में टेन बी डिपार्टमेंट में फिफ्टीन और सी डिपार्टमेंट में नाइन जो है इंप्लॉइज है तो फिर सुपरवाइजर का अगर सैलरी दस हजार है तो वो उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैंटीन का खर्चा भी उस बेसिस पे पर्सनल डिपार्टमेंट का भी उस बेसिस पे टाइम कीपिंग का भी उस बेसिस पे तो ये तो कुछ जस्ट एग्जाम्पल है अब क्वेश्चन में देखोगे कितने सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स मतलब पॉइंट निकल के आएंगे ये जस्ट एक रफ आइडिया है कि हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट लिखेंगे मोटिव पावर ठीक है मोटिव पावर मतलब मशीन को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है ठीक है उसे हम लोग बोलते हैं मोटिव पावर मोटिव पावर ये नॉर्मली मेजर किया जाता है हॉर्स पावर या किलोवाट में ठीक है तो मशीन वगैरह जब चलता है ना तो उसमें पावर कंजन बहुत ज्यादा होता है तो इसे हॉर्स पावर ये तुम लोग कभी नाइन टेन में पढ़े हो ठीक है हॉर्स पावर या किलो और आवर्स में इसे जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और मोटिव पावर का मतलब होता है पावर टू रन अ मशीन ठीक है मशीन को रन करवाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोटिव पावर अब यहाँ पर लिखते हैं पावर कंज्यूम्ड ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पावर कंज्यूम्ड हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और जो मोटी पावर का खर्चा मतलब जो बिल आएगा वो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट कितना पावर कंज्यूम्ड किया है उसके बेसिस पे और ये कैसे हम लोग निकालेंगे हॉर्स पावर जितना यूज हुआ हॉर्स पावर पे अगर कंजम्पशन दिखा रहा है या फिर किलो वाट में दिखा रहा है तो वो भी चलेगा हॉर्स पावर पर आवर इन टू मशीन आवर जितना टाइम मशीन चला और एक घंटा चलने पे कितना हॉर्स पावर कंजम्पन होता है इस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छा एट्थ नंबर में देखो कॉस्ट ऑफ क्रेन और फॉर्क लिफ्ट ट्रक ठीक है तो कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह जैसे मान लो गोडाउन से फैक्ट्री थोड़ा दूर पे है तो उसे ट्रांसफर करने के लिए या फिर इतना ज्यादा सामान है कि लेबर लेके जाएगा तो तो टाइम लगेगा तो क्रेन या ट्रक के थ्रू से उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सकता है तो इसका क्या क्या खर्चा होता है अब इस आ, मशीन मतलब ये क्रेन चले या ट्रक चले इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर लगता है तो ड्राइवर को पे करना पड़ता है उसका सैलरी अच्छा अब उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा इस व्हीकल को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मेंटेनेंस का खर्चा और डिप्रिशिएशन भी होगा ठीक है तो ये सारे चीजों को हम लोग कैसे ये खर्चे को कैसे हम लोग अपोर्सन कर सकते हैं तो देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर टाइम बेसिस पे होगा ठीक है अब टाइम क्या होगा जैसे देखो ये हमेशा नहीं होता है, 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 है लेके जाना पड़ेगा या स्टोर तक लेके जाना पड़ेगा अगर इस तरीके के काम में यूज हो रहा है तो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है तो उस टाइम का रिकॉर्डिंग कौन करेगा उस ट्रक के ड्राइवर को ही हम लोग क्या कर सकते हैं उसको एक जो है लॉग बुक बोल सकते हैं उसे में सकते कि आप इसमें टाइम लिखो कि आपने कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना टाइम काम किया ठीक है उस बेसिस पे हम लोग खर्चे को अपोर्शन कर सकते हैं तो यहां पर लिखते हैं टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ आवर्स डिवोट इच डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने कितना टाइम काम किया अब ये वही बता सकते हैं ठीक है ये वही बता सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए आज उन्होंने कितना काम किया उस बेसिस पे रिकॉर्डिंग रहेगा और खर्चे को उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा सकता है नाइन्थ नंबर मैनेजर सैलरी मैनेजर सैलरी ठीक है मैनेजर सैलरी को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहां पर मैनेजर एक एक डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करने के लिए जितना टाइम दे रहा है टाइम बेसिस पे ठीक है तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे टेक्निकल एस्टिमेट एंड आवर्स डिवोटेड बाय डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट ठीक है अच्छा इसके बाद टेंथ नंबर स्टोर रूम एक्सपेंसिस स्टोर रूम का जो खर्चा है वो हम लोग किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टोर रूम का खर्चा क्या क्या हो सकता है पहले वो लिखते हैं अगर स्टोर रूम में कोई स्टोर कीपर को हम लोगों ने रखा है स्टोर कीपर को सैलरी देना पड़ेगा ठीक है क्लीनिंग स्टाफ को रखा है क्लीनिंग स्टाफ सैलरी ये खर्चा हो सकता है और हो सकता है मेंटेनेंस स्टाफ सैलरी मेंटेनेंस स्टाफ सैलरी अब ये सारे खर्चे को हम लोग ये तीन ही नहीं है और भी हो सकता है ये तो एग्जाम्पल है इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन ठीक है नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन ठीक है मतलब स्टोर में कितना बार जो है रिक्वेस्ट आया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तरफ से कि मुझे ये रॉ मेटेरियल दे दो उस बेसिस पे ये खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है कितना काम हुआ है उस बेसिस पे ठीक है और इलेवेंथ नंबर बस और दो ही है इलेवेंथ नंबर मेटेरियल कैरिंग मेटेरियल कैरिंग और मेटेरियल <laughs> कैरिंग और हैंडलिंग कॉस्ट इसमें देखो मेटेरियल को कैरी करने का जो खर्चा है उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना मेटेरियल का वेट होगा वेट के बेसिस पे कर सकते हैं ये एक ऑप्शन हो सकता है वेट ऑफ मेटेरियल ट्रांसफर और नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट ठीक है अगर हमें बोले मेटेरियल कैरिंग कॉस्ट का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर हम लोग के पास वेट दिया हुआ है मेटेरियल का तो उस बेसिस पे कर सकते हैं अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट मेटेरियलियल कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट है हम लोग का संड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो इसे हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होता है ठीक है एक होता है अगर हम लोग चाहे तो इसे डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट दूसरा हो सकता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और तीसरा हो सकता है मशीन आवर ठीक है और इसके लिए हमें देना पड़ता है नोट ठीक है। अगर हम लोग इसमें से कोई भी एक एजम्पन लेते हैं अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डायरेक्ट मेटेरियल बेसिस पे करना है तब तो ठीक है फॉलो द क्वेश्चन लेकिन अगर हमें नहीं बोला है तो हम लोग ये तीनों में से कोई एक एजम्सन ले सकते हैं और उसके लिए हमें एक नोट जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो ये मैंने क्या लिखवाया ये मैंने टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस लिखवाए और उसको कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बट इसको रट के हम लोग याद नहीं रख सकते जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे समझ के ही करेंगे लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जिसके लिए हमें याद रखना चाहिए जैसे कि ये वाला ठीक है ये ये एक पॉइंट है देखो जहां पर हमें ये बताया गया है कि अगर सेंट्री एक्सपेंसिस दिया मतलब एक्सपेंसिस का नाम नहीं दिया या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसिस ऐसा लैंग्वेज यूज हुआ है तो हमें किस बेसिस पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा गो थ्रू करने जरूरत है तो ये ओवरव्यू ऑफ ओवरराइट हो गया हम लोग का इसके बाद हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा ये ओवरराइट का एक ओवरव्यू हो गया और इसके थ्रू से हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसके बाद हम लोग जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे ठीक है फिर आज के लिए इतना ही करते हैं